दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। करेरी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट बेंग डेवलप्ड बाय साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन एंड हिम ऊर्जा आपसे अनुरोध करता है कि COVID-19 के चलते सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठियोग से 3 बार विधायक रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश वर्मा के निधन से क्षेत्र सन्न हो गया है। गुरुवार को उनकी शव यात्रा में ठियोग तथा बलसन से काफी संख्या में लोग शरीक हुए। सुबह करीब 8 बजे उनकी देह को खिलीनी से पैतृक गांव थानाधार लाया गया। इन्हें ठियोग, फागु, सैज के अलावा जगह जगह समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई पर समर्थक अपने प्रिय नेता के आकस्मिक निधन पर फूट फूट कर रोए। इस दौरान उनके पिता पूर्व DGP रहे RR वर्मा तथा राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा व बेटा एकलव्य वर्मा भी इस दौरान बेहद भावुक हो गए। उन्हें अंतिम विदाई देने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बलवीर वर्मा, विधायक राकेश सिंगा सहित प्रशासनिक अमला भी पहुंचा हुआ था। दुख हुआ ये सुनकर, कितनी क्षति मान रहे हैं। ठियोग के लिए तो है ही है क्षति। राकेश वर्मा जी के आकस्मिक निधन से ठियोग क्षेत्र की जनता को ही नुकसान नहीं हुआ है, वरन पूरी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो है वो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। राकेश वर्मा जी उन राजनेताओं में से थे जिनका जमीनी स्तर पर जो है वो आम नागरिक से जुड़ाव था और वो किसी भी गरीब की, किसान की, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति उनके पास मदद के लिए आता था तो वो सरकारी तौर पर तो जो संभव हो सकता है वो करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी उसकी पूरी मदद करते थे। शिमला में उनका निवास स्थान है जो मेरा चुनाव क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर भी उनका जो है वो पूरे के पूरे जो है वो वार्ड में, इलाके में जो है वो बहुत अच्छा लोगों के साथ सीधा संपर्क था, ज़मीनी लोगों के साथ संपर्क था। मैं समझता हूँ कि उनके निधन की जो है वो सबको जो है वो जो क्षति पहुंची है उससे आघात भी पहुंचा है। वो छात्र राजनीति के समय से जो है वो हमसे जुड़े हुए थे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ठियोग से रोहित सेमटा की रिपोर्ट।